गीता पाठशाला खुले हुए कितने दिन हो गए? दुनिया में कितने साल से एडवांस गीता पाठशाला चल रही है? 1 साल से 8 महीने हुए। हाँ, और एडवांस ज्ञान में कितने महीने के लिए है? 8 महीने। एडवांस ज्ञान पहले लिया होगा? हाँ, 2 महीना पहले, 1 महीना उसके बाद बत्ती की, फिर आगे गीता पाठशाला खोली। एक और मार्केट बताऊँ, 8-10 महीने हुए ज्ञान लेते लेते एडवांस, 8-10 महीने हुए है? 8-10 महीने हुए। 2-3 महीना ऐसे ऐसे मतलब बीच बीच में संगठन के प्रोग्राम भी होते रहे। हाँ, तो वो बहुत कुछ प्रश्न भी आते होंगे है? नहीं, लोगों से मिलते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न करते हैं, कुछ प्रश्नों का समाधान अंदर में न भी आता हो। ऐसे तो बेसिक नॉलेज वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रश्न पूछ भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रश्नों की चकराहट बुद्धि में चलती है, उन प्रश्नों का समाधान जरूर कर लेना चाहिए बाबा के आने पर। थोड़ा भी संशय बाबा के सामने रह गया तो बाहर की दुनिया में जाकर के चौड़ा हो जाएगा। कर देते हैं हम बहनों को इतना की सेवा में जाते हैं तो कुछ बैठने या पूछने भी दूर से ही सबसे पत्र लग जाता है, पता कि संगत पाठ है तो बस बंद कर देते हैं। आपने 63 जन्म लिए, उन्होंने प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ी है और पढ़ाई है, और आप राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो राजाओं ने 63 जन्म में कितने भी कर्म पाप कर्म किए होंगे? राजा की गद्दी पे जो बैठते रहे द्वापर कलयुग में, वो कितने अहंकारी राजा होते थे, अहंकार में आकर के कितना दुख दिया होगा, तो हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए, कितना तिरस्कार किया होगा। इस जन्म में वो हिसाब किताब पूरा हो रहा है। क्या वो भगवान के नाम पर बैठे हुए हैं फिर भी धक्का देते हैं लोगों को, बात नहीं सुनते, तिरस्कार करते हैं? सवाल पैदा होता है कि जब ये भगवान के घर में बैठे हुए हैं, भगवान का घर बना करके, तो क्यों धक्का देते हैं, क्यों तिरस्कार करते हैं, क्यों सुनी अनसुनी कर देते हैं? दुनिया के कोई भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई किसी को धक्का देता है? आओ नहीं कहते हैं, आओ जो है आओ बैठो, कितनी आओ भगत करते हैं, और यहाँ यहाँ देखो आकाट ले, तो कोई कारण होगा है? तो ठीक है, लेकिन ये कारण क्या है कि जो हमको धक्का देते हैं? यही कारण है कि पूर्व जन्मों में हम राजाएं बने, हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया और दूसरों को ज्ञान की बात बताई, इसमें किसी को धक्का देने की तो बात ही नहीं है। हमारी अपनी चीज थोड़ी है, हमने भगवान से लिया, हम भगवान की चीज दी हुई चीज दूसरों को देते हैं, इसमें दे अहंकार की कोई बात ही नहीं। तो आई थी जैसे हमारे समाज के आपसे राम हम लोग जानते हैं संदेश देती है, तो तमाम लोग बुला करके हमको इंद्रावन इधर आइए, कि आप कल निकलिए यहाँ से, आप शंकर क्या दल है, शंकर पार्टी है, कल लेके हम कहीं तो जल्दी खा लेंगे दीदी की शंकर पार्टी है। आप ही तो देखे हैं कि लगाए हैं कि
ब्रह्मा द्वारा, अपना विष्णु का द्वारा, पालन शंकर का द्वारा, महाविनाश, तो हम आप कैसे विनाश कर सकते हैं पाप का? तो ज्ञान तुल्य प्रकट हुए हैं जिनको कि चेले देखे हैं, तो कैसे आप मानते हैं दीदी तो कोई गलती नहीं हुई है? आप ही तो गीत बनाए हैं, बनवा बनवा के रखे हुए हैं, बांटते हैं, गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। बदलेगी तामस और विकार प्रणाली बदलेगी शंकर द्वारा, आपके द्वारा तो बदलेगी नहीं। अब वहाँ तो हमें लगे क्या चाहते हैं, मान आइए साथ में जाइएगा, तो फिर ठीक है अभी तुमको भगा रहे हैं, लेकिन कल आपको जरूर बुलाइएगा। आपका विनाश कराने वाला यही स्कूल का दल है, आपका का जो है नेत्र खुलने वाला है, ये तो मारिए, लेकिन हम कुछ कह करके जाएंगे, आप जो भी यहाँ तो कर जाएंगे। ठीक है, आपने उनको सुना दिया है कि आज आप हमको धक्का दे रहे हैं, आज कल मुसलमान भीख मांगेंगे, बाबा ने मुरली बोला हुआ है। आपने अपने बड़े राज्य में से उनको भगाया होगा, उन्होंने अपने छोटे से प्रोग्राम में भगा दिया, क्या होगा? साथ में साथ यार बाबा को आपने भगाया, और देखिए आपने उनको आधी रात में भगाया होगा, निकला हमारी रात से बाहर। हम कह रहे हैं कि मुरली में तो है कि बाप कुछ खाऊं बाबा, तुझे को कुछ सुनाऊं बाबा, न बाबा ब्रह्मा बाबा तो मर चुके हैं, न उनके साथ हम लोग खाए न पिए न कुछ सुना सके, और जो बाप आ चुके हैं उनके सुनने के लिए आप चावल करते हैं, मान लिया हमको मगर 10,000 आपको भगा दिया, हम लोग उन्हीं के रोक गया कि आप महान कृष्ण भगवान के बच्चे हैं, रोकिए उनको जमा है, माता जी आपका बोली तो लगता है कृष्ण भगवान समाया हुआ, हम तो रोकिए दिए, आइए दोनों बहन उतना बड़ा आपको बाबा चले आएंगे, हम उस पर लगा के आप ही हैं, आपको दुख पैदा हो गया क्या? टीवी में तो रोज आपसे वर्तमान दृष्टि आपका हिसाब किताब पूर्वजनों का पूरा हुआ तो हल्के हो गए ना। ऐसे हम जब गए ना सुंदर देने के लिए, ये बच्चा ऐसे बच्ची का भाई बोले हमको कि आप जब बोलते हैं कि उसमें बाबा है, बाबा जब है उनमें वीरेंद्र दीक्षित में बाबा है, तो फिर वो भगवान जब उसमें है तो जेल कैसे चले? भगवान तो जेल में पैदा ही हुए थे। उनको बताओ भगवान तो जेल में पैदा हुए, तुम 63 जन्म शास्त्रों में पढ़ते क्या रहे हैं, दूसरों को सुनाते क्या रहे, यही तो सुनाते रहे कि भगवान ने जेल में जन्म लिया। अच्छा अठक जवाब दिया करो, ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। बाबा कहते वाले कहते हैं मुरली फिर ब्रह्मा बाबा का लेके क्यों सुनाते पढ़ाते हैं, अपना मुरली क्यों नहीं चलाते? मुरली ब्रह्मा बाबा की थी या शिव बाबा की थी, पहले तुमसे ये पूछो, जब कहे शिव बाबा की मुरली है तो कहे कि शिव बाबा एक होता है या अनेक होता है? शिव बाबा एक तो उसकी मुरली भी एक ही होगी, ऐसे थोड़े ही के एक मुरली अलग और दूसरी मुरली अलग, शिव बाबा तो सत्य है और सत्य एक होता है, जो सत्य था उस सत्य को तुमने नहीं समझ पाया, कागज के पत्ते आज तक पढ़ रहे उसका रहस्य नहीं जान पाया, भगवान आकर के उन्हीं कागज के पत्तों का रहस्य बता रहे हैं। क्या भगवान बाप भी है, भगवान टीचर भी है, टीचर बन करके वो हमें रहस्य बताता है, एक एक हिज्जे हिज्जे करके बताता है, एक एक शब्द का अर्थ बताता है, तुम्हारी बुद्धि में वो अर्थ नहीं बैठा हुआ है। बाबा बच्चों से बाबा ने पूछा कैसे आए हो? हाँ, ऐसे आए हो बताओ, यही तो मैं जानता नहीं हूँ बाबा, जानना चाहता हूँ। तो कैसे आए हो, पूछा किस लिए आए हो, कैसे आए हो? सन्मुख बच्चे बैठते हैं, ऐसे साबित होता है कि बाप से कुछ सन्मुख होकर के लेने आए हैं, से पावन बनने आए हैं, जो सन्मुख होते नहीं वो पति से पावन बनते भी नहीं, बिरुख ही होकर के रहते हैं, बिरुख होते हैं तो ग्लानी करते हैं, ग्लानी करते हैं तो सतगुरु नंदक
वाइब्रेशन से जन्म लेता है, योग बल से जन्म, उसको कहते हैं योग बल। कभी कभी जैसे ज्ञान सुनाने से जाते हैं बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को जो कृष्ण के रूप में जो प्रवेश करेंगे 2018 में उनका जन्म होगा, उनका जन्म देने वाला तो माता पिता पावरफुल होना चाहिए ना, बिल्कुल जो इनसे भी शक्तिशाली योग में हो। तो वैसे तो बोले कि कैसे बने वो प्रकट बुलाएंगे तो आ जाएगा कि कैसे लेंगे वो उत्साह। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बुलाया जाता है? बुलाया थोड़ा ही जाता है, तो स्वतः ही आकर के आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही जब वो पावरफुल बनेगी आत्मा तो वाइब्रेशन के आधार पर वो आत्मा स्वतः ही खींची हुई चली आएगी। गर्भ से ही जन्म होता है, उन्होंने दिखा दिया चित्रों में, दुनिया का ऊपर से सितारा आया और नीचे कृष्ण बन गया, ऐसे दिखा दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है, गर्भ से ही जन्म होगा। सारी दुनिया के सामने प्रकट नहीं होते ना, सारी दुनिया देखती है, उनकी दुनिया अलग और सारी दुनिया अलग, उनकी दुनिया छोटी और दुनिया की अलग बड़ी। उनके सामने भी जन्म नहीं होगा, 108 में तो दूसरे दूसरे धर्म के छिलके वाले भी भरे पड़े हैं। उनका जन्म सूर्यवंशियों में होगा या दूसरे धर्म के छिलके वालों में होगा? सूर्यवंशियों में होगा। उन्हीं के पास आज से देखो पहुँच जाना, पीछे क्यों रहोगे? कहाँ का सवाल ही नहीं। बाबा उन्हीं आए तो पूर्ण बन के दिखाओगे क्या अधूरे बन के दिखाओगे? देखो बाबा, भारत माता की जय किसलिए कहा जाता है? भारत माता की जय इसलिए कहा जाता है कि भारत माता ही पवित्र बन के दिखाती है। भारत माता है कन्याएं, विदेश की कन्याएं माता है तो जाने कितने कितने खत्म करती है, वो तो अपवित्र हो जाती है, वे विचारी बन जाती है, क्योंकि उनकी जय नहीं होती है। विदेश माता मुझे होती है क्या? विदेशी नदियों में कोई स्नान करता है क्या? भारतीय नदियों में स्नान करते हैं। बॉम्बे में मिल जाएंगे, ब्रह्मास्त्र मिल जाएंगे। बॉम्बे में छपाई का काम ज्यादा अच्छा होता है ना? नहीं, अभी जो बेहद में बेहद में विक्टोरिया बम्बई से होती हुई आती होगी ना, जन्माष्टमी जब होगी तब जैसे बच्चे का जन्म मनाया जाता है ना, तो बच्चा का प्रत्यक्षता होगी तो बाप की भी प्रत्यक्षता होगी। बाप का जन्म और बच्चे का जन्म साथ साथ दिखाते हैं। रात्रि के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, रात्रि के 12 बजे शिव जयंती भी मनाते हैं। कारण क्या है कि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं लेता होता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप का अकेला नहीं होता, बच्चे के साथ साथ बाप भी प्रत्यक्ष होते हैं, बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। केवल जितने भी बच्चे हैं जो आत्माएं सभी एक साथ होंगे, अलग अलग रहेंगे, एक साथ बाप के सामने जैसे बताया कि परमधाम तुम इस सृष्टि में कर देंगे, तो सभी बच्चे किए हुए जो भी आत्मा है सब सामने होंगे, ये सामने लेकिन नंबर वार होंगे। परमधाम में सब नंबर वार बैठे हुए दिखाए गए हैं या एक जैसे नंबर वार बुद्धियाँ हैं? नजारा दिखाएंगे वाले को मधुबन वाले मधुबन चाहे बीके वाले हो, वो तो मधुबन है भी नहीं। मधुबन अभी किसे कहेंगे? जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। तो माउंट आबू में तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है, क्या भगवान तो प्रवेश करता नहीं है? जहाँ भगवान का पार्ट है वो भगवान जहाँ मधुबन में हो
जैसे बोला तुम बच्चे जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे, तो जहाँ कहीं भी मिनी मधुबन हो उन सबको अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़ना पड़ेगी? क्योंकि जब बाप की सत्यता होती है तो कितना हो हल्ला मचता है, तो बच्चों की प्रत्यक्षता होगी तो हो हल्ला नहीं होगा, दुनिया में ग्लानी नहीं फैलेगी। अखबार वाले, टीवी वाले, जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी रेडियो वाले हैं, वो सब चारों तरफ बितंडावाद फैला देंगे। जैसे कलकत्ते में एक छोटा सा सैंपल देखा रविंद्र भाई का, रविंद्र भाई को जब कलकत्ते में जेल हुई तो वहाँ शारलिन सेंटर का क्या हाल हो गया था, दो तीन महीने तक कोई क्लास भी करने नहीं जा रहा, इतनी ग्लानी उड़ी टीवी में अखबारों में कि थूटू थैया हो गई चला। और गांव वालों ने जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं थी उन्होंने कहा ये बंद करो, नाटक बंद करो, और लड़कियों को अपने वापस बुलाओ, नहीं तो निकलो गांव में से बाहर। जब राशन देने वाले राशन देना बंद कर दिया, दुकान वाले दुकान जो सब सौदा देना बंद कर दिया, क्या बात है, बस इल्जाम लग गया उस इल्जाम में ब्रह्मा कुमारियों ने कोई उनको फंसा दिया, चारों तरफ ग्लानी हो गई, गांव वालों को, शहर वालों को, सबको नफरत हो गई। ऐसे हम लोग साथ नहीं होते, जब जो बाप के साथ होता है बड़े बच्चों के साथ होगा तो सबके साथ नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा तो फिर कहाँ जाएंगे, जहाँ बाप होंगे वहाँ जाएंगे। बाबा ये भी कहा कि आगे चलकर बाप बाप का भी ऐसा अलमंगा पाठ बनेगा, बाप का तो हमेशा ही अलमंगा पाठ है, पार्ट ऐसा है कि तुम बच्चे भी समझ न सको, पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, उसी लिए तो बताया तमाशा होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन आगे जाता है कौन पीछे रहता है। ये सारा खेल मतलब ब्रह्मा तो विष्णु बनने का टाइम हो जाएगा, टाइम होता है किसी तारीख नहीं बताई जाती है, आबू से लेकर माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी, हाँ जी हाँ जी, अबू के लिए आबू है अरे वो आबू में जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है महामधुबन में, बाबा बम गिरने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं करता है, नहीं थोड़े थोड़े बम गिरते रहेंगे, एक एक देश एक एक शहर समाप्त होते रहेंगे, लेकिन लास्ट में पाँच सात रोज का जो विनाश होगा उसमें तो सब सब खराब हो जाएगा सिवाय स्वर्ग के, जो स्वर्ग में बचे होंगे वो ही बचेंगे, फलाद हो जाएंगे। बाबा बोलेगा जब एटम बम फटेंगे सारी दुनिया पृथ्वी हिलेगी तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी रह जाएंगी गिर जाएंगी, माउंट आबू जैसा पहाड़ ही जब खलास हो जाएगा तो दुनिया में और क्या बचेगा, ये तो संपूर्ण विनाश होगा। माउंट आबू में ही होगा, लेकिन जो आखिरी विनाश होगा उस आखिरी विनाश से पहले जिन बच्चों को बचना होगा वो अपने ठिकाने में पहुंच जाएंगे, सुखदास गांधी नाम से कहाँ पहुंचेंगे, नाम में पहुंच जाएंगे, बिना तरीके कैसे नई दुनिया बन जाएगी, बिना तरीके नई दुनिया बन जाएगी क्या, और चंद्रवंशी एक तरफ से कहते थे बेसिक में चंद्रवंशी बोला, प्रीतम में बोला कि यहाँ सब धर्मों के बीज नहीं है, हर धर्म के बीज कहाँ है, एडवांस में है, यहाँ सूर्यवंशियों के बीज है,
उनमें कैसे देव निकलते हैं, बाकी चंद्रवंशी रहे। चंद्रवंशी इसके अंदर भी है, बीज रूप आत्मा में चंद्रवंशी नहीं होंगे, सारी दुनिया के बीज है, तो चंद्रवंशियों के भी बीज है, इस्लाम वंशियों के भी है, सभी धर्मों के बीज है। बाबा आठ में क्या क्या होगा, सात में क्या क्या हुआ और क्या क्या होना है? आपको क्या हालत होगा, अच्छी हालत होगा, अभी तक जो हुआ तो सब अच्छा ही अच्छा हुआ, आगे जो होगा तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, जो हो रहा है वो अच्छा होगा, जिनको नहीं चलता है ना क्या होता है वो, बोला गया विष्णु के लिए अच्छे प्राण का त्रयास्त्र नहीं बोला गया है, विष्णु को त्रयास्त्र आवाहन करने के लिए बोला, इसके ऊपर जो बोले क्या अरे आज के आज सात आठ के अंदर सात आठ के पाँच छ सात आठ ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 साल तो शंकर की प्रत्यक्षता में 69 से लेकर के 76 तक कितने साल हुआ, 8 साल हुए, आए थे प्रत्यक्षता में 4 साल, आज के बाद तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे है, आज के बाद सेवा नहीं कर पाएंगे, लक्ष्मी की बात चल रही, सदगुरु निंदक ठौर न पावे, जो निंदा करने वाले हैं वो सुखधाम और शांति धाम में माना मुक्ति धाम में और स्वर्ग धाम में ठौर नहीं पाएंगे, तो दूसरे देशों में जाके सेवा तो करेंगे, दूसरे धर्म वाले हम संदेश नहीं लेंगे कि भगवान आया हुआ है, जाना नहीं पड़ेगा, और निंदा नहीं कराइए, ग्लानी नहीं किए, कुछ भी लगता हो जाएंगे, लगता पैसा पैसा तुम्हारे घर पे आएंगे क्या, तो विदेशी लोगों में पैसा नहीं है क्या, विदेशी लोगों के पास पैसा नहीं है क्या, जिनको सेवा लेनी होगी बाबा के ऑर्डर क्या है, उनको ग्लानी उन्होंने की है तो ग्लानी उनको खींचेगी कि जाओ विनाशी धर्म खंडों में जाकर के सेवा करो, एक तरफ हर करके बम बम करके विनाश हो रहा है और दूसरी तरफ उस विनाश के बीच में उनको सेवा करनी पड़ेगी क्या, तीसरी मूर्ति जो विष्णु के पास है तो उनको मुरली भी उनका भी चलेगा अलग से, या एक होता है मुख से सुनाना, एक होता है प्रैक्टिकल कर्म करके सुनाना, किसी को संदेश देना समझाना, और एक होता है वाइब्रेशन से सुनाना, ज्यादा ऊंचा क्या है, अभी तक काम कौन सी सेवा हुई है, तो वाचा सेवा हुई है, रिजल्ट क्या निकला 70 साल में, कुछ भी नहीं निकला, ऐसे ही अभी बोला कि कर्मणा की भी सेवा करने वाला, तीन पार्टियां बताई ना एडवांस पार्टी में कौन कौन, इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी और प्लानिंग पार्टी, प्लानिंग पार्टी तो रुद्रमाला हो गई, और जो प्रैक्टिकल करने वाली निकलेगी उनसे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यही सच्चा संगठन है, यही इसलिए संगठन है, रुद्रमाला में तो आज गीता पाठशाला तैयार होती है और कल टूटना शुरू हो जाती है, हम नहीं जाएंगे उधर, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर में नहीं बैठे, लक्ष्मी भक्ति मार्ग में कब आते हुए दिखाई जाती है, पहले सफाई होती है, पहले लक्ष्मी आती है, माँ काली का काम है झाड़ू लगाएगी तो सफाई होगी, जब सफाई हो जाएगी थोड़े से रह जाएंगे उनके द्वारा स्थापना हो जाएगी, लेकिन कौन की स्थापना होगी क्या, लक्ष्मी आने का टाइम है तो पहले काली का आना होगा ना, बिल्कुल होगा,
वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग भी गए हैं तो वो टीका तिलक लगाते हैं, बोलते हैं कि मुरली से ज्ञान सुनाते हैं, सब यही ज्ञान सुनाते हैं, बोलते हैं कि पढ़ा ले लिया बोलते हैं कि जो हमसे नहीं मिलेगा तो अंत में उसको जो काटना पड़ेगा। वो तो बाहर सामने आए बातचीत हो तब पता चले, ज्ञान की बातों का दूर दूर से तो पता चलता है। ज्ञान नाम कुछ नहीं है, खाली मुंह का दिमाग है। बाबा जो मुरली में कहा ना जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा, जैसे उस समय बार हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और जो माता कन्या बहने घरों में बैठकर पुरुषार्थ कर रही थी जो नहीं है निकल पा रही थी, वो एक ट्रेन चली, उस ट्रेन में सारे बैठ के बाबा के साथ में काउंटर हुआ, ये अंत में भी होगा। इतनी बनेरियाँ पड़ी हुई हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो कैसे छुटकारा पाएंगे? तो उसमें ट्रेन चली हुई तो बाबा के पास चली गई, बाबा उनको लेके सब माउंट आबू चले, बाबा थोड़े चले गए, बाबा तो पहले ही चले गए थे। कहाँ? माउंट आबू। माउंट आबू नहीं चले गए थे, कराची को उस बगले में अकेले जाके बैठ गए थे। जब झगड़ा हुआ तो बाबा डर गए, बाबा तो साक्षात्कार होता था बिना का तो भी डर गए थे, रोने लगे थे। वो तो पहले ही चले गए थे जब झगड़ा शुरू हुआ। ट्रेन चली गई ट्रेन जब 47 में झगड़ा हुआ तो बांधेली थी, उनको मौका मिल गया भागने का। लेकिन अभी भी अंत में ऐसा कुछ होगा जो माता कन्या अभी तो जिसे कोने कोने में उत्पन्न करी, रांची में हैदराबाद में वहाँ आस पास थी, अभी तो जिसे कोने कोने में बाबा के बच्चे हैं, तो माता कन्या के लिए कोई हेलीकॉप्टर कोई ट्रेन कोई ट्रेन तो चलता होगा ना? अरे हवाई जहाज आ जाए। अभी सेवा किस तरह करना चाहिए बाबा? डॉक्टर जो जलानी का जो ये बम फूटे हुए हैं तो उसमें सेवा करने का किस प्रकार की सेवा? कल आए हैं सेवा करके, इसको कहीं भी के स्थान में भी आपको उनका कहना पड़ रहा होगा। पावरफुल शंकर पाटी है, आप शंकर पाटी है, उनको लेकिन पूछे ये शंकर पार्टी का जो बाजा बजाया है वो बजाया किसने? शंकर पार्टी किसने बनाई? शंकर पार्टी नाम किसने दिया? बेसिक वालों ने ही तो नाम दिया है शंकर पार्टी। बाबा ने मुरली में अभ्यतवाणी में तो कहीं ये भाषा बोली नहीं है, शंकर पार्टी और विष्णु पार्टी और ब्रह्मा पार्टी। जो बाबा के पहलौटी के बच्चे है वो तो सतोप्रधान होने चाहिए या पार्टीबाजी वाले होने चाहिए? तुम पहलौटी के बच्चों में ही तुमने पार्टीबाजी कर दी, तुम्हें जल को भी स्थापन होगा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तीनों का मिलकर के काम संपन्न होता है, वो पार्टीबाजी कैसे बनाएंगे? ब्रह्मा का काम नहीं होगा तो तो नहीं बताया दुकान बाबा दुकान नरक के बीच स्वर्ग का बता देता हूँ, नरक की दुनिया भी रहेगी और नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का छोटा सा नजारा भी होगा। जैसे आज में दिखाया नरक की दुनिया भी थी और सिंध हैदराबाद में 400-500 कन्या माता आराम से रही पड़ी थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ट्रेनें काटी जा रही थी, खून की नदियां बह रही थी और उनको कोई सेक नहीं आया। पति दुनिया कहाँ होगी? संगठन ही ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी पति भिखारी पांव रख नहीं सकेगा, ये क्यों बोला? जहाँ पवित्र होंगे वहाँ पवित्र होंगे, वो पवित्र दुनिया होगी, जहाँ अपवित्र होंगे वहाँ पवित्र पांव नहीं रखेंगे।
पवित्रता मनुष्यता का गुण है, जो मन वचन कर उसे पवित्र है, वह चरित्र नाम यही नाम पवित्रता को झुकाएंगे भगवान बोले सन्यासी का भी पवित्रता तो वो पवित्रता पवित्रता है कि कायरता है। असली पवित्रता शिव बाबा दिखाता है, असली टेम्पल तो शिव बाबा बनता है पवित्रता का। प्रवृत्ति मार्ग के बीच में रहता है, प्रवृत्ति मार्ग में रह करके बेहद के प्रवृत्ति मार्ग में रह करके और फिर भी पवित्र रहता है। मुरली ने बोला है कि यह पतित कर्ण है, क्या है पतित कर्ण? तुम्हें तो बता रहे मुरली में ये बता रहा है पतित तन माना जिसने सब प्रकार का अनुभव किया हो पतित पने का। बाप आते भी है मगध देश में जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है, बहुत करते बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, वही कला की जन्म लेते हैं। लाल सोफी पर फसोला विशाल लेकर ही बताएंगे, अनेकों में थोड़ी प्रवेश करते हैं बाप के रूप में, बाप तो एक में ही प्रवेश एक्यूरेट माना चौरासी जन्मों में से एक जन्म भी कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं। ब्रह्मा के तो 50 साल कम हो जाते हैं, 69 में शरीर छोड़ा फिर 18 में जाके जन्म लेगा, कितने साल कम हो गए? 50 साल कम हो गए। तो अनाउंस पार्ट धारी कहाँ हुआ? जो सबसे ज्यादा पतित हो उसमें प्रवेश करके उसको पावन बनाए तो सारी दुनिया पावन बन जाएगी। अधूरे पतित में किसी सन्यासी में प्रवेश करे तो उसको पावन बनाए तो क्या बड़ी बात हुई? भैया होगा लेकिन दिल होगी। वहाँ में जो जैसे आपको देते थे ना ऐसे सुने आपको देते हैं तो मुझे ऐसे लगा कि हमको आप इधर भी इधर इधर घूमते तो इधर लग रहे थे आप मेरे साथ में इधर। कुछ देर बाद फिर देखने लगे कि वो आप जो नारायण के रूप में हैं तो फिर मम्मी जो है बड़ी मम्मी उनको भी देखते थे वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। तो हमको ऐसे लग रहा था कि दोनों मम्मी पापा है और तुम नहीं नारायण हो, और हमको भी ऐसे लग रहा था कि जैसे आप लोग वैसे हमको लग रहा था। तो ये प्रश्न फिर घर पर आए तो ये लगा कि मम्मी वो है उनको मानते हैं पालना भी किए हैं बच्चे को, तो फिर वो जब जगदम्बिका मम्मी आएंगे सभी मम्मी तो फिर वो लक्ष्मी बनेंगे। फिर वो उनको जगदम्बा कहते हैं, उनको लक्ष्मी कहते हैं, इनको जगदम्बा किसको कहते हैं? जो रुद्रमाला की मुखिया है उसको कहते हैं जगदम्बा, और जो विजयमाला की हेड है उसको कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने? नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है या नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। तो जो लक्ष्य प्राप्त करता है वो ज्यादा पवित्र होगा या कम पवित्र होगा? ज्यादा पवित्र। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, भारत माता शिव शक्ति कही, ये नहीं कही जगदम्बा शिव शक्ति। जगदम्बा तो सारे जगत है, उसमें असुर भी हैं, उसमें देवताएं भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, सबकी अम्बा है, वो किसी को छोड़ नहीं सकती। और विष्णु लक्ष्मी इसको सपोर्ट करता है, देवताओं को सपोर्ट करते हैं विष्णु, देवताओं का संग जो है वो हमको ऊंचा उठाएगा, असुरों का संग ठीक है। तो माता अगर मोह में आ जाए और असुरों का संग करेगी तो अशक्त बनेगी या ताकतवर बनेगी? अशक्त हो जाती है, माताएं अबला बन जाती हैं कलयुग के अंत में आगे। भारत माता लक्ष्मी जो माता है उसकी जो संगठन हो गए
है बाबा के जितने बच्चे हैं सभी आएंगे उसमें बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया है हर धर्म की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं उनमें भी कोई हर धर्मों में से राजा बनने वाले हैं दूसरे दूसरे धर्मों में और कोई दूसरे दूसरे धर्मों में प्रजा बनने वाले हैं तो जो दूसरे धर्मों में प्रजा पद पाने वाले हैं वो कैसे आ जाएंगे जो सत्युग के आदि जन्म में जो प्रजा बनेगी वो सब सूर्यवंशी होंगे या दूसरे धर्म के भी होंगे सूर्यवंशी होंगे बारे में बताया गया है कि तीन जयपुर से है और दो जोधपुर से है वो जो है तो प्रवृत्ति मार्ग वाला गृहस्थी परिवार से है या मुझे निवृत्ति मार्ग है हद में जयपुर पूछताछ करने वाले निकलेंगे नहीं हद का जयपुर या हद का जोधपुर बोल रहे हैं जयपुर का मतलब जिनकी बुद्धि में जिनकी बुद्धि में पक्का हो चुका है और जिनकी बुद्धि में युद्ध चल रहा है पक्का नहीं हुआ अभी अभी भी युद्ध चल रहा है कि हम उस लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे आएंगे या नहीं आएंगे आएंगे किस किस नंबर में आएंगे तो युद्ध चल रहा है वो युद्ध प्रवृत्ति मार्ग वाला है या मुक्ति मार्ग वाला है अष्टदेव जो है जो अष्टदेव है और उनमें जो बाप है बाप कौन सी मार्ग वाला है तो बाप मार्ग वाला है प्रवृत्ति का तो बच्चे निवृत्ति मार्ग वाले होंगे क्या बच्चे भी तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होंगे जब सूर्यवंशी है तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होंगे सब निवृत्ति मार्ग वाले क्यों होंगे तुम्हारा मतलब सरेंडर मार्ग सरेंडर से है क्या कुमारी को ये निवृत्ति मार्ग बोल रहे हैं और जो युगल श्राप गीता पाठ कराते हैं ज्ञान में चलते हैं तो उनको ये प्रवृत्ति तो घर में कोई सेंटर में रह रहा है निवृत्ति मार्ग होंगे घर सेंटर का छोड़ करके घर परिवार में रह रहे घर बार छोड़ कर लौकिक घर परिवार छोड़ करके लौकिक घर परिवार को छोड़ने के लिए कहाँ बोला बाबा ने छोड़ने क्यों अच्छा बाबा जैसे कि द्वापर युग में जैसे ब्राह्मण इब्राहिम हुए या क्या कहते हैं क्रिश्चियन हुए वो सबको फिर ज्योतिर्लिंगों को नहीं याद किया है तो वो क्या अभी उन सब इसमें है अभी सूर्यवंशी में या बस में वो भी तो बाबा क्या द्वापर में याद किए तो उन्होंने स्वर्ग में तो नहीं पहुंचे तो इसका मतलब 10 करोड़ की लिस्ट में तो आएंगे नहीं स्वस्थिति में तो स्थित हुए नहीं देवान तो रहा तो जिनमें इतना देवान रह गया कि वो स्वर्ग में पहुंचने लायक ही नहीं बने 10 करोड़ की लिस्ट में आने लायक ही नहीं बने वो अभी कहां से आ जाएंगे स्वर्ग स्थापन हो जाएगा फिर कहीं उनका नंबर लगेगा तो साकार को मानेंगे भी नहीं भगवान के रूप में नहीं मानेंगे बाबा जो अभी तक महाराज पद पाए हुआ है जो अभी तक महाराजा है महाराज गति चला रहा महाराजा के पद के साथ ऐसा उसके रास्ता ही होता है ना तो अभी तक जो महाराजा है कौन है महाराजा जैसे दरभंगा महाराज थे ये अब कहाँ है उनकी जो कला अभी तक कल युग तक तो कब प्रसाद किया करो वो कलयुग के अंत में कलयुग अंत की शूटिंग में देवी की प्रत्यक्षता होने का टाइम आया होगा ज्ञान सूर्य के उदय होने का टाइम आया उस समय उन्हें अंत में जाकर के थोड़ा सा राज भाग ले लिया अभी भी उन महाराजाओं के परिवार में धन संपत्ति बहुत बहुत बड़ी बड़ी है लेकिन अभी अभी समझते थोड़ा ही है तो वो अपने को बड़ा आदमी समझते हैं कलेक्टरों के पास बैठेंगे मिनिस्टरों के पास बैठेंगे बड़े बड़े अहदेदारों के पास बैठेंगे
उनको गरीब थोड़े ही कहेंगे। लास्ट में जब देखेंगे पूरी प्रत्यक्षता हो गई तब सब कुछ अर्पण कर देंगे, बन जाएंगे। जो बेसिक में आई नहीं जो उसके तो बोल तो दिया अगर तो आज दो साल पहले कुमारियों का संगठन सरेंडर होने के लिए आया हुआ था, उस संगठन में बाबा ने बोला ये नहीं समझना ये पहला समर्पण समारोह है, अभी दूसरा समर्पण समारोह भी सबका मना देंगे। आखिर बेसिक में से एडवांस में आवेंगे या नहीं आवेंगे, विजय वाला मैं ही आ जाएंगे, जब आएंगे तो सरेंडर भी होना पड़ेगा, होगी क्या जरूर भर्ती होगी कंप्लीट होगी, अब कहाँ भी हो तो वो होलसेल में ज्यादा आएंगे ना, ज्यादा आएंगे तो इसलिए तो पकड़ के लिए मकान बन रहा है। मामा मुरली में कहते हैं कि इनको भी शिव तपस्या सिखाना है, कहते हैं मुरली में कि इनको भी शिव तपस्या सिखाना है, किनको सिखाना है बाबा? अधूरी बात उठाते हो, प्रसंग बताते नहीं पूरा तो कैसे पता चलेगा, बच्चों की बात हो रही है, विदेशियों की बात हो रही है, सन्यासियों की बात हो रही है, प्रसंग पूरा उठाना चाहिए ना, तो अपनी डायरी में से लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ लेते हो पूछना शुरू कर देते। अच्छा मनते हैं तो पूछा चाहिए ना, तो जो अंदर हो तो बाहर निकाले। जैसे कि अभी जाते हैं कहने के लिए पैसी बारे कहने जाते हैं तो वो मारने का ही बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि मार ही खराब। बाबा ने तो बोल दिया बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही पावेंगे, तो उनका पदभ्रंश कैसे होगा आखिर? तो हम चाहते हैं जैसे कि भाई इनको जितना ये किए फिर उतना ही मतलब बाबा भी कर रहे हैं, उस तरह से हम चाहते हैं जैसे हम जानते वो मारेगा हमको कह दिया इस बार आएगा तो हम पीटेंगे, हमको बाबा कहा मुझे बाबा ने कभी नहीं कहा, तो अगर बाबा कहा हमारे नहीं बाबा तो कहने मतलब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे संभव है इसलिए उस तरह से हम और जय उनके पास भले वो मारे लेकिन हम जय उनके पास। जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जो भूखा हो उसको रोटी खिलाओ, प्यासा हो है ही नहीं तुम्हें मालूम पड़ गया उनको प्यास नहीं है, जबरदस्ती उनके पीछे क्यों पड़ना? जो प्यास से सुनते हैं उनको सुनाओ, पांडव गुप्त होकर के घूमते थे तुम वहां प्रत्यक्ष होकर के जाओ ही क्यों? उनके जो जिज्ञासु हैं उनमें से ढेर सारे ऐसे रह गए होंगे जो अंदर से समझते होंगे कि हम पूरी बात समझे आखिर बात क्या है, सुनना चाहते हैं तुम उनको प्रत्यक्ष सुनाना चाहो तो वो डरेंगे। अभी भी बोला गुरुओं से कितना डरते हैं, गुरुओं दबदबा रहता है धाक रहती है, ये थोड़ी का रुद्रमाला को आह्वान करना है, उनको नहीं वो उनमें भी इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन दूसरे दूसरे धर्मों के भरे पड़े, जो चंद्रवंशी है वो विजयमाला है शांत रहने वाले, हाँ जी उनके अंदर जो चंद्रवंशी है शांत रहने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा की तरह ब्रह्मा बाबा की तरह ज्ञान में रस लेने वाले हैं, मुरलियों को पकड़ने वाले हैं, पवित्र रहने वाले हैं, उस सबक के को पकड़ना है। जिसकी बात सुनाना चाहते हैं तो आज ही हो गया, उसके बाद हम सरेंडर हो जाएंगे। बाबा ने बोला है तुम कोई नई बात थोड़ी कहते हो, उनको बताओ बाबा ने मुरली में बोला है जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा ना। कुमार का दादा ने ब्रह्मा बाबा की कब्र बनवा दी तो कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा तो ब्रह्मा बाबा ने उनकी कब्र बनवाई थी क्या? नहीं बनवाई ना, तो ब्रह्मा बाबा देवी देवता सनातन धर्म के। कुमार का दादा ने कब्र बनवा दी तो कौन से धर्म की है? तो तुम उन्हीं की बात मानोगे, हमारी क्यों मानोगे? मुंह बहताओ पट से।
ये सब आप बोले गोरे बापे बापे क्या पोस्टर छाप दो चिपका दो उनके सेंटर के सामने ये दुख की देने की बात क्या सच्ची बात कहना कोई दुख है चोर को चोर नहीं कहोगे कोई चोरी करके जा रहा है तुम जो तुम ये नहीं कहोगे चोर जा रहा है पकड़ो तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा चोरी कराई तुमने तुमने देखा तो भी नहीं कहा अभी तो एक भाई बता रहा था अभी कि वो मार पिटाई हो रही थी और रास्ते में से कोई निकल आया और उसने आगे बचा लिया तो फिर अपनी बात भूल गए बचाने वाला बचाता है मारने वाला मारता है ज्यादा पावरफुल कौन है कल फिर फोन किए थे उसकी स्कूल में तो माता जी को बताया कि माता जी बाबा को कैसे भी देखे और ज्ञान भी सुने त्रिमूर्ति का जो सिरा लगा हुआ है बाबा का तो क्या त्रिमूर्ति का कार्य नहीं होना चाहिए आप तो कहते हैं ठीक लेकिन यहाँ माउंट आबू कोई बोलता है शंकर के बारे में खाली बोलता है ब्रह्मा के द्वारा तीनों काम होना है ब्रह्मा है दान ब्रह्मा है दान बोलता शंकर है द्वारा तो तब होगा जबकि साकार मौजूद हो जब साकार में है ही नहीं तो क्या रास्ता हुआ द्वारा कहाँ हुआ गुलजारदी में भगवान कहाँ थे उनका माता पिता है अरे स्वर्ग मनुष्य स्थापन करेगा या भगवान स्थापन करेगा फिर आइए आप सुनाइए उसका कहना है कि आपकी कसम गलती है हम रात बनाने के लिए भी हम दिक्कत नहीं दिया आपको लेकिन आप दोबारा आइए हम लोगों को समझाइए उनके साथ करिए जो मारपीट किया है तो हम लोग उसका देखेंगे सच्चाई और जो सच्चाई होगा तो मान लेंगे गलती बात है में बैठ करके सच्चाई को नहीं समझ पाओगे एकांत में बैठ के अकेले बैठ के समझो समझ जाओगे तुम अकेले में जाके फिर उसको इंजेक्शन लगा दो लेकिन ये ध्यान रखो उसको ऐसे होते हैं दोबारा बुला लेंगे अब अंदर कोठरी में जाकर फोन कर देंगे दीदी दादी आ जाओ अभी तो तीन चार दिन पहले कठुआ में ऐसा हुआ कठुआ में इधर काश्मीर की तरफ जहाँ पूरा सेंटर एडवांस पार्टी में आ गया है बड़ी बिल्डिंग है वो जो ब्रह्मा कुमारी काम करती थी पहले जब उन्होंने एडवांस ज्ञान ले लिया तो सारे सारे वो एक तरफ हो गए एडवांस की तरफ ब्रह्मा कुमारी छोटी चली गई बात है अभी वो पठानकोट में सारा फैला दिया एडवांस ज्ञान पठानकोट और वहाँ उस जम्मू के बीच में है कठुआ कठुआ स्टेशन तो कठुआ के लोग निकले दो चार उनमें से एक ने बुला भी लिया सुन भी रहा है रोज और अंदर जाकर के धीरे से जम्मू को फोन भी कर दिया तो खुद फैसला नहीं कर पा रहा है राइट क्या है रंग क्या है तो जो जितनी कुर्सी खुद फैसला नहीं करती है वो लड़ाई चाहता है लड़ाई हो तो हम देखें राम कौन रावण कौन तो वो ब्रह्म कुमारी 30-40 लोगों को ले आई वहाँ पिटाई कर दी उसकी भाई सेंटर इंचार्ज भाई जिसने जम्मू का सेंटर बनाया बड़ा सेंटर है और उसकी धुलाई कर दी अभी निर्णय क्या है आपका जम्मू का तो बेस्ट हम तो मना कर दिया तुम क्यों जाते हो पहले परखो अच्छी तरह से पर पाते नहीं ऐसे ही सुनाते रहते हो वो अंदर से ना सर हिलाता है ना टांग हिलाता है क्या है मैंने 1 किलोमीटर दूर है उनका घर माता का 1 किलोमीटर दूर होने गाड़ी से 4 व्हीलर से आने में कितनी देर लगी ट्रेक करके मैंने जब देखेंगे लाला प्रोफेशन दे सुनाना है तो वहाँ से दादी में जो ब्रह्मा का पाठ ये चल रहा है अगर कुमारी का ये कईयों ने खबर भिजवाई कि अगर ये कब तक चलता रहेगा जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता है तब तक संपूर्ण बना चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता पूर्णवासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है
पहले ही कैसे अर्थ हो जाएगा, पहले अर्थ हो जाए कि सब बेसिक वाले जो इतने मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो उनका तो पटन ही हो जाएगा। छोटी आएगा जब महाकाली का काम खत्म हो जाए, छोटी मंदिर का ब्रह्मा बाबा के पास चलते चलते ही इधर इधर आना होगा ना, वो भी पास चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। कब तक आएंगे छोटी मंदिर बताएंगे, जब आएंगी तब समझ लो क्या लक्ष्मी आने वाली। पूरी सफाई ज्यादा बाबा, ज्ञान योग धारणा सेवा चार सब्जेक्ट में सबसे उत्तम सब्जेक्ट बता दीजिए। योग बोलते विष्णु की बात आई, अभी बोला ज्ञान बोलते विष्णु की बात आई, धारणा बोलते विष्णु की बात आई, सेवा बोलते विष्णु की बात आई, योग बोलते विष्णु की बात आई। योग में टीका होगा तो अंत में रिजल्ट ये निकलेगा, और चारों सब्जेक्ट में टीका निकल गया। पास होने का नहीं, जो योग में फर्स्ट क्लास होगा वो चार तरफ जीत पाएगा। बताएंगे वही पार्ट भी जान जाएंगे, जो ज्यादा सेवा का जिनका स्टाफ होगा वो पहले प्रत्यक्ष होते जाएंगे, सेवा के आधार पर नंबर पर डिक्लेयर होंगे। चारों तरफ गलानी होगा और सामने सेवा को सिर्फ संदेश भी देना, संदेश दे देंगे सुने या न सुने ऐसा भी ठीक है। संदेश देना, जब राजा बनने वाले हो तो संदेश लेकर के प्रजा बनने वाली प्रजा भी तो ढेर सारी होनी चाहिए। अभी तो लौकिक देना नहीं है, लौकिक जिनको भी ज्ञान, सबको देना है, सबको देना। संदेश तो ये नहीं कहा कि संदेश किसी को नहीं देना, संदेश सबको देना है। आज ही तो मुरली चली, सबको सुनाना है, भगवान आया हुआ है, दुनिया का विकास होने वाला है, सबको सुनाना है कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, स्वर्ग की स्थापना होने वाली, सत्युग जाने आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, इतना संदेश तो सबकी कप्तान ने बता दी। दुनिया की जितने धर्म पिता है 100 वर्ष के अंदर उन्होंने अपना काम किया, और ये भी काम अभी 70 साल से चल रहा है, 30 साल और रहने। सही सेवा के क्षेत्र में कुछ जैसे संदेश देना सेवा हुआ, हरेक जैसे मान लो चंडीगढ़ खेत से जाके सेवा करते हैं, कोई कंपनी में मकान बन रहा है उससे जाके सेवा करना चाहते हैं, तो जैसे कहते सेवा करेंगे तो सेवा वाले को बाबा याद करता है, तो कई भाई बहन ज्ञान नहीं सुना पाते, मान लो बेसिक से नहीं निकाल पाते, एडवांस कोर्स भी नहीं करा सकते, तो उनके मन में हमेशा ये अंदर में ग्लानी सी होती रहती है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं बाबा के अनुसार हम तो कुछ नहीं कर रहे, तो वो जो पश्चाताप हो रहा है, तो क्या वो कोई सेवा नहीं कर रहे हैं? क्या बात, करुणा से भी सेवा नहीं कर रहे, वाचा से भी सेवा नहीं कर रहे, धन से भी सेवा नहीं कर रहे, नहीं मान लो खेत उनके पास कोई ताकत नहीं है, कंपनी में जाना चाहते हैं वो करना, कंपनी में जाए ना, तो परमाणा सेवा के भी 100 नंबर है, वाचा सेवा के भी 100 नंबर है, कोई मैसेज देना ही, घर घर में सुनाना है, बेसिक ले जाना, वो पार्टी निकालना लेके जाना ही तो सबसे बड़ी सेवा नहीं है ना। हाँ जी वो सेवा भी है, शारीरिक सेवा भी है, सेवा भी सेवा है, कर्मणा सेवा न करने वाला हो, वाचा सेवा अच्छी करने वाला हो, तो उसको ऑलराउंडर कहेंगे। सेवा के लिए बहुत गुणोल्लास होता है, चले जाते हैं सेवा पे जाते हैं ना, या गुणोल्लास होता है, उतना याद नहीं आ रहा था, यही तो प्रैक्टिस करनी है, याद माना प्यार, प्यार अंदर नहीं है, ऐसे सुनाते रहे तो जैसे भक्त लोग घंटड़ी बजाते हैं भगवान जी के सामने। हाँ जब सेवा बाबा मोदी में देते हैं कि जब सेवा करते वक्त बात को याद रहना चाहिए, बात हाँ जी, जिस समय सेवा करते हैं उस बात की याद होगी तो दुर्वचन नहीं निकलेगा सुनाने वाले के सामने, तो उस समय हम देखते हैं जब हम बोलते हैं, फिर वो दोबारा बोलते हैं तब याद आते हैं, और फिर जब बोले लोग तो सब याद करो, कर्म करते याद करने की प्रैक्टिस करनी है ना, हमारा कर्मयोग है ना, कर्म योग अलग कर दे, योग अलग कर दे, कर्म और योग को अलग अलग नहीं करना।
बाबा हाथ क्यों जोड़ रही है भगवान के हाथ जोड़ना जरूरी होता है। भगवान को बाप बन के आता है, बाप के हाथ जोड़ के आता है। भगवान बाप है, बाप 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 बन के आता है, बाप के सामने बच्चा हाथ जोड़ के बैठता है क्या? माउंट आबू जब जाएंगे, अभी चले जाओ, मना कौन करता है? बाबा ने कहा सारी दुनिया घूमो फिर, अपना नाम मत बताओ, जब तुम सब समेट लो तब जाओ, अपना समेट लो। समेट लिया नहीं, मन से, तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, संपर्कियों से, चारों तरफ से आपने कुछ समझ लिया? कुछ भी नहीं है तो चलो अभी हमारे साथ झूठा ही बोल रहे हैं कि हम लोग वोट दिया सारे तो ले जाएंगे। तो एक एक्सेप्शन को बोला था कि आपकी छुट्टी जिस में होगी वो ही जाएंगे, आपकी छुट्टी दो दिन में गंगा के पानी में जाकर जाएंगे, ठीक है? ऐसे बोला सारे तो नहीं जाएंगे, सारे जाएंगे, सारे जाते हैं सर इकट्ठे, बिंदु पात्मा ही जाएंगे। बीज रूप आत्माएं जो बनती हैं बेसिकली वो ही भगवान के सामने सन्मुख जाती है। आत्मरूपी सुई की सारी कट उतरती है तो तुम डायरेक्ट भगवान बाप से सीखते हो। देवान रह जाएगा तब जाओगे माउंट आबू? देवान रह जाएगा तो क्यों जाओगे? बैंक फेल हो जाएगा? हाँ अच्छा अच्छा बता दे ताकि तुम अपने जब तक अभी अभी कह रहे हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम पूछना शुरू कर दिया। बाबा पत्र लिखने में, बाबा को पत्र लिखे के ब्रह्मा वाले के भूल से छूट गया तो पत्र बाबा को मिले। ब्रह्मा के तू ही सारा कार्य होना है, स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का पाठ मुद्दा हुआ है। भूल से छूट गया क्यों छूट जाए? जब काम ही ब्रह्मा के द्वारा होना है। ब्रह्मा का चित्र सुनते हैं जो कि सारे मोड रोड पर पड़े फेंके रहते हैं कोई उठाने वाला नहीं, वो ऐसा काम है कब तक इतना हो जाएगा? सारे नोट पड़े थे कि नहीं कोई उठाने वाला नहीं, जब आकार पड़ेगा और ठंडा एक भी नहीं चलेगा। हाँ जब आकार पड़ेगा, आकार पड़ेगा तो चारों तरफ मारामारी हो जाएगी। आजकल दुनिया में गरीबों की संख्या ज्यादा है या मीडियम लोगों की संख्या ज्यादा है या अमीरों की संख्या ज्यादा है? गरीबों की संख्या ज्यादा है। तो जिन गरीबों के पास जब अकाल पड़ेगा, जिनके पास नोट होंगे वो धड़ाधड़ नोट निकालते चले जाएंगे, अपना खर्चा चलाते चले जाएंगे। लेकिन मार्केट में तो जो खाने पीने का सामान है वो तो लिमिटेड होगा ना, अब क्या करेंगे? मारामारी हो जाएगी। बाबा भी नेपाल में अभी है ना, जिसके पास गाड़ी मोटर है वो लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। जो गरीब है वो तो पैदल चलते हैं, उनको आदत है, वह गाड़ी मोटर बंद है, मिट्टी तेल बंद है, पेट्रोल बंद है, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर जब ये देखने को वहाँ मिल रहा है कि जो गाड़ी मोटर वाले हैं वो धोखा खा रहे हैं, पहले से प्रैक्टिस पड़ी हुई है, अपने साइकिल से काम चलाएंगे, मोटरसाइकिल से, पैदल से, जो मोटर का आदि हो गया वो बिना मोटर का बाहर निकलेगा ही, गैस चूल्हे बंद हो गए, लकड़ी जलानी पड़ती है, मोटरसाइकिल से चाहिए। तो वही तरह आगे तो सबका ये चीज होगा, भी होगा वो पड़ा रहेगा। जैसे बाबा हम और ये बच्चा है नहीं भतीजा क्या है, अपनी मम्मी को बार बार समझाती है कि देखो 2018 में जो है इसका जन्म होने से पहले कोई भी बेकारी लोग नहीं रहेंगे, जितना भी घर द्वार देते हो ये सब साफ रहेंगे, कोई बेकारी रहेंगे नहीं। हाँ ये बोले अपने मम्मी, दुनिया में ही नहीं रहेंगे, ऐसे बोलेंगे तो दुनिया में रहेंगे लेकिन जो नई दुनिया तैयार होगी उस घेरे में नहीं रहेंगे। तो बाबा तो इनकी मम्मी बोले
तुम्हें बाप बेटी दोनों जानते हो विनाश के, तुमने देखो विनाश इधर उधर नहीं जाना माने खतरा है बाहर जाने में। मुरली में भी बाबा बोलते हैं इस रथ का बहुत ख्याल रखना है, अभी बाबा बाहर मधुबन छोड़ करके बाहर जाते भी नहीं है, जाते वहीं जाते हैं जहाँ मधुबन का माहौल है, मधु माने मिठास है, जिन बच्चों के अंदर संगठन में मिठास है, जिन बच्चों के अंदर बेहदगी वैराग्य वृत्ति जंगल जैसी वन जैसी है, उन बच्चों के बीच में जाते हैं, बाहर की दुनिया में बाबा जाते नहीं है। नहीं संगठन बैठना अच्छा है, ज्यादा ताकत रहती है।